तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी शुरुआत इस प्यारे से वातावरण के साथ। दोस्तों, कल सुबह के नंबर में काफ़ी तेज़ बारिश रही थी, उसके बाद दिन में धूप निकली अच्छी खासी और फिर रात को हुई बारिश काफ़ी तेज़। तो अभी मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है आज का मौसम। और दोस्तों, कल हमने पैकिंग भी कर लिए थे अपने कपड़े सारे यहाँ से जाने के लिए श्रीनगर, जो कि हमारी पैकिंग के चक्कर में कल हमारा सारा टाइम ऐसे ही निकल गया। हम ज़्यादा मतलब ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए अपना, सुबह को किया थोड़ा सा, फिर थोड़ा दोपहर को भी किया और फिर रात को तो बिल्कुल ही नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी समस्या ये रही ब्लॉग ना शूट करने की, क्योंकि दोस्तों जब से बारिश हुई है ख़तरनाक वाली, जब से तालाब वालाब उबले हैं हमारे गाँव के, तब से हमारे गाँव में ना लाइट की काफ़ी असुविधा है, लाइट नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से मुझे अपने व्लॉग एडिटिंग करने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बैटरी नहीं थी फ़ोन में उतनी ज़्यादा। और इसी की वजह से मुझे अपने मोबाइल को बार बार कहीं बाहर जाकर चार्ज करना पड़ रहा था, कभी रिश्तेदारी में जाकर, कभी किसी दोस्त के पास जाकर, तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। फ़िलहाल अभी भी लाइट नहीं आई है, देखते हैं कब तक आएंगी, कोई बात नहीं। वैसे तो अब मुझे लाइट की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आज तो हम यहाँ से श्रीनगर चले ही जाएँगे दोपहर तक। कल दोपहर के बाद से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था, उसके बाद मेरे पास फ़ोन ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने दोस्त को देके आया था ये फ़ोन चार्ज करने के लिए, और हमारे घर का जो दूसरा वाला फ़ोन है वो भी मैं अपने दोस्त को ही देके आया था चार्ज करने के लिए। तो फ़ोन लगभग मेरे हाथ में शाम को आया था, और उसके बाद मैं ज़्यादा व्लॉग अपना शूट नहीं कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ा अपने कुछ काम में बिजी हो गया था। दोस्तों, नाश्ता तो हम करके आ चुके हैं, और इधर यहाँ पर जियान है, इधर अनाया है, ये बोल रहे थे मुझसे बाहर टहलाने के लिए, तो मैं इन्हें टहलाने के लिए लाया हूँ। अभी सुबह का टाइम है और 9:30 बज रहे हैं। इन दोनों को मैं घर में लेके जा रहा हूँ, तो ये जाने के लिए तैयार नहीं, और ये तो सबसे ज़्यादा रो रही है कि मुझे घर में नहीं जाना, खेलना है यहाँ पर। और इनका पीछा करते करते ये भी यहाँ पर आ गया है खेलने के लिए। अब ये तीनों यहाँ पर जो है धमाल मचाएंगे। दोस्तों, ये जियान यहाँ पर मेरी उंगली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये मेरे साथ ही चल रहा है, जबकि वो दोनों देखो कहाँ पर चले गए इतनी दूर। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, वो भागे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं वो, ये देखो वो भागे जा रहे हैं, कितनी दूर चले गए। अनु रुक जाओ, बाबू भी आ रहा है, भागो बेटे भागो, चलो भागो, तेज भागो, भागो। तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया है इन दोनों को, और उधर वो जियान है वो भी इन तीनों को टहलाते हुए, और इन्होंने मुझे थका दिया है। हमारे घर से लगभग मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर इन्हें पैदल पैदल चला के ले आया हूँ, और अब भी ये थक नहीं रहे हैं, भागने पे ही लगे पड़े हैं। पीछे वो आ रहा है ईशान अम्मा के साथ अपनी, पीछे वो आ रहा है जियान दादी के साथ अपनी। और दोस्तों, यहाँ पर पकौड़ी तैयार हो रही है, और 12 बजने वाले हैं, और पकौड़ी तैयार करने वाली है साजिया। तो ये आज हम बना रहे हैं कढ़ी चावल, तो कढ़ी तो चूल्हे पर छोंक दिए, चूल्हे पर बन रही कढ़ी, और मैंने यहाँ पे बनाई थी फुल्की कढ़ी बनाने के लिए, कढ़ी पकौड़ी डाल के बना दी ना, तो अम्मी ने बोला कि 2-3 आलू काट कर और बेसन में आलू वाली पकौड़ी खा लो, बच्चों को आलू वाली पकौड़ी बना दो बच्चों के लिए, इसलिए सभी बच्चे पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं और मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो दोस्तों, पकौड़ी बनने के बाद मैं भी ट्राई करके देखूंगा और तब आपको बताऊंगा कैसी लगी। नु बेटे, जल्दी से खड़े हो जाओ, चलने की तैयारी करते हैं हम। दोस्तों, इसके अंदर रखा है हमारा सामान, बैग है हमारे, और जो भी हमारा यूज करने का सामान है इसके अंदर है। फिलहाल हम इस गाड़ी से जा रहे हैं नजीबाबाद, और वहाँ से जाएंगे हम मंडी की गाड़ी से, जो कि रात को जाती है, ट्रक होते हैं वो, तो उसमें जाएंगे हम रात को, तो फिलहाल इससे जाएंगे नजीबाबाद तक। दोस्तों, तो हमारी तैयारी हो चुकी है चलने की यहाँ से श्रीनगर, और अभी अभी मैंने इसमें एक चार्जर से अभी अभी मैंने इसमें एक फ़ोन चार्ज किया है, जो कि साजिया का फ़ोन है, और मेरा फ़ोन इससे चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे फ़ोन की जो पिन है, जो लीड है, वो
ऐसी है कि वो इसमें नहीं लग सकती। तो साजा का फ़ोन तो चार्ज हो गया, लेकिन मेरा फ़ोन अभी डाउन है और हमारी तैयारी है बिल्कुल चलने की। यहाँ से सामान वो रखा सामने वहाँ पर, और यहाँ से नजीबाबाद तक हम इसी गाड़ी से जाने वाले हैं। तो इस समय मैं और बच्चे सभी तैयार हैं चलने के लिए। तो दोस्तों फ़िलहाल हम चलते हैं, थोड़ी हमें जल्दी भी है इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो साजा भी तैयार है बिल्कुल एकदम रेडी, और ये मुन्नी भी हमें बाय करेगी आज। है मुन्नी, आप हमारे साथ चलोगी क्या? हाँ, कमेंट भी आ रहे थे कि देवरानी किधर है, देवरानी किधर है। तो देवरानी इधर है, ये मायके गई हुई थी सिर्फ 2-3 दिन के लिए, तो अभी यही यहीं पे उपलब्ध है और अब हम जा रहे हैं, अब ये रहेगी यहाँ पे। एनु, ये छोटी एनु है हमारी, छोटी एनु। बेटे चलो आप भी हमारे साथ घूमी करने। नहीं, ये तो जीप दिखा रही है। अब जब आएंगे थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हाँ, जब भी आना होगा तब ये हमें मिलेगी, ये ऐसे घुटनियों चलती हुई या पैदल चलती हुई मिलेगी। गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये बैठी एनु अंदर, और आगे बैठ गया है जियान, वो घूमने जा रहा है, और ये श्रीनगर जा रही है। तो दोस्तों चलने का टाइम हुआ, अब हम भी बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। चलो सब जा रहा है श्रीनगर जा रहा दोस्तों अपने गांव से नजीबाबाद हम 4 बजे आ गए थे, मैं और बच्चे साजिया साथ में, और छोटा भाई हमें अपनी गाड़ी से लेकर आया था, और अभी फ़िलहाल हम नजीबाबाद में ही हैं क्योंकि अभी गाड़ी जाने में थोड़ा सा टाइम है। दोस्तों अभी 9 बज रहे हैं और इस समय हम हैं मंडी में, जहाँ से मैंने आपको ब्लॉग में बताया था, और ये आप मेरे साइड में देख रहे हो, ये वही ट्रक खड़ा है जिसमें हमें जाना है। साजिया को मैंने बिठा दिया है अंदर, और बच्चे बैठे हैं और भी अंदर, और अभी भी बारिश की वजह से तो गाड़ी नहीं जा रही, तो मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं आने की यहाँ तक, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था ब्लॉग में, वैसे जाते तो हम अपनी मोटरसाइकिल से ही, पर आजकल जो है मौसम ख़राब है ज़्यादा, तो मोटरसाइकिल से जाने का हिसाब नहीं है, तो इसीलिए हमें जाना पड़ रहा है इस वाले ट्रक से। तो चलने के लिए तैयार हो ना तुम? दोस्तों अभी गाड़ी चलने में थोड़ा सा टाइम है, अभी मैं गाड़ी में आके यहाँ पर बैठ गया हूँ। मुझे गर्मी लग रही है काफ़ी ज़्यादा वैसे तो यहाँ पर, क्योंकि आज गर्मी का मौसम है। तुम्हें भी लग रही है? बहुत ज़्यादा। सभी को लग रही है गर्मी। बच्चे ये बैठे इधर दोनों, ये रियान आया, ये रहा हमारा जियान। और गाड़ी चलने का जो समय होगा वो मुझे लगता है कि शायद 9:30 बजे तक चलेगी, अभी फ़िलहाल जो है 9 बज रहे हैं। वैसे हमने खाना खा लिया है और हम यहाँ नजीबाबाद में अपने किसी जानने वाले के यहाँ रुके हुए थे, क्योंकि हम दिन में आ गए थे 4 बजे के आसपास यहाँ पर नजीबाबाद में। हमें पता नहीं था गाड़ी किस टाइम जाएगी, तो इसीलिए हमने जो अपने रुकने का ठिकाना किया था वो किसी जानने वाले के यहाँ किया था, और उसके बाद अब हम यहाँ आए हैं थोड़ी देर पहले ही मंडी में, और अब हम यहाँ से चलने की तैयारी करेंगे जब ये ड्राइवर यहाँ से चलने की तैयारी करेगा। तो अब ये जब ड्राइवर यहाँ से चलेगा तभी हमारा चलना होगा। हो सकता है 9:30 बजे तक हम निकल जाए, और रास्ते ख़राब होने की वजह से हम इस गाड़ी से जा रहे हैं, नहीं तो हमेशा हम अपने बाइक से जाते, बल्कि ये वो गाड़ी है जिससे हम अपना सामान बैग वगैरह हम हमेशा इसी गाड़ी से भेजते हैं, और तब हम उसके बाद अपनी बाइक से जाते हैं। बस हम बिना कोई सामान लिए छोटा मोटा कोई बैग रख लेते हैं अपने साथ ज़रूरत का। दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं और पहाड़ गिरने की वजह से रास्ता बंद है, और आज की रात हमें यहाँ सड़क पर ही गुजारनी पड़ेगी, और सुबह हम जाएंगे यहाँ से श्रीनगर।